आपको पता है कि ये मस्जिद है, इसमें 5 वक्त नमाज होती है, पता है इतनी बात भाई? अरे बोलते रहिए, मालूम है ना मस्जिद में क्या होता है जी, नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, बताओ, अल्लाह की रजा के लिए। अब अंदाजा लगाइए हम लोग इस्लाम से कितना दूर हैं। कोई कहेगा अल्लाह की रजा के लिए, कोई कहेगा अल्लाह का हुक्म है, लेकिन कुरान पाक ने इसका जिक्र किया कि नमाज तुम पर फर्ज कर दी गई है ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें किया करो। इसका मतलब ये नमाज एक जरूरत है और इसका एक मकसद है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोगों की जरूरत है जो नबी के दीन को आगे पहुंचाएं, नबी के अखलाक हुस्ना को आगे पहुंचाएं, नबी की बातों का अमली नमूना बने। तो नबी सल्लम को नमाज अल्लाह ने दे दी कि जो नमाजी होंगे ना वो गंदी बातें नहीं करेंगे, वो अच्छी बातें किया करेंगे, वो अच्छे अखलाक वाले होंगे। वो बुल्ले शाह ने क्या ना पंजाबी दे विच क्या, बुल्ले शाह ने वो नमाज भी नीति जाने हो, ठगी भी की जाने हो, वो या की जाने हो। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि नमाज भी पढ़ते हो, बेईमानी भी करते हो, नमाज भी पढ़ते हो, चोरी भी करते हो, नमाज भी पढ़ते हो, ठगी भी मारते हो। इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ दिखावा करते हो। कुरान ने कहा ना अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, पढ़ी कभी आयत आपने नमाज में पढ़ते होंगे। अल्लाह फरमाते हैं इस आयत में कि उन लोगों की नमाज तो खराब हो गई, बर्बाद हो गई उनकी नमाज। या अल्लाह किनकी बर्बाद हो गई? फरमाया नमाज जरा नमाज नीति ते न्याज ना दिती। बुल्ले शाह ने इस आयत का भी तर्जमा किया है ना, नमाज नीति ते न्याज ना दिती, तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा। कुरान ने कहा ना ये वो हमारे वाली न्याज नहीं, असी तो न्याज जड़ी दिने ना, हम लोग जो न्याज देते हैं ना, अपनी खीर, अपना ही कटोरा, अपना ही मौलवी, अपने बंदे आप ही खा के अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक कह रहा है न्याज देने के लिए। कुरान ने न्याज का जिक्र किया है कि नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, न्याज क्यों नहीं देते? अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अरे न्याज क्यों नहीं देते? या अल्लाह कौन सी न्याज? फरमाया तू नमाज पढ़ता है, भूखे को खाना नहीं खिलाता। वो तू नमाज पढ़ता है, यतीम के मुंह में लुकमा नहीं डालता। ओ यार तू नमाज पढ़ता है, अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखता, इसका मतलब तेरी नमाज बर्बाद हो गई है। फिर कुरान ने कहा कि नमाज पढ़ने वो लोग हैं जो मुत्तकी होते हैं। अब मुत्तकी नु असी पंजाबी च कहने चंगा बंदा होता है। अब चंगा बंदा कौन होता है जी, जिसको मैं कहूं चंगा है या आप मुझे कहें चंगा है? नहीं नहीं, चंगे की इस्तलाह करने के लिए मौलवियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्तियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। सईदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ रखते थे, एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए आया और साथ में जो बंदा बैठा था अमीरुल मोमिनीन के, उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन ये बहुत नेक बंदा है। फरमाया कैसे? फरमाया फजर जोर असर मगरिब इशा हर नमाज में पहले आता है। फरमाया तुम गलत कहते हो, इसके घर वालों से पूछो, अगर अम्मी अब्बू कहते हैं कि बंदा नेक है तो फिर ये नेक है, और अब्बू अम्मी कहते हैं कि मेरा मुंडा ठग गया तो मेरे ठग ही है। अम्मी अब्बू कहते हैं कि ये बदमाश है तो ये बदमाश है, अगर बीवी कहती है ये बदतमीज है तो ये बदतमीज है, नमाजी नहीं है ये। अगर पड़ोसी ये कहता है कि ये बंदा जालिम है तो फिर ये नमाजी नहीं है, ये जालिम ही। हम मोहम्मद रसूलल्लाह के दीन के नुमाइंदे हैं भाई, हमारा काम दीन को अपनी अमली जिंदगी में प्रोजेक्ट करना है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है। अपने दिल पर हाथ रखिए, इसको पूछा कीजिए अपने दिल को कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तरीका अपनाया है? रोजा क्यों रखवाया? रोजा भी जरूरत है, उसका भी एक मकसद है। नमाज का मकसद है कि आप गंदी बातें ना करें। आपको पता है हमारे यहां पंजाब च
आपके यहां भी होता होगा ये मसला। हमारे यहां पंजाब में ऐसी पंजाबी से कहने हैं कि मर्यादा मर्यादा जो है उसका ध्यान रखना है, यानी मस्जिद का जो इज्जत है, मतलब मस्जिद में कोई जूती लेके ना जाए और मस्जिद में सिर ढक के जाओ और मस्जिद में वजू करके जाओ, मस्जिद में पाक होके जाओ, मस्जिद में नापाक आदमी नहीं जा सकता। हम कहते हैं ना सब लोग भाई, है ना। तो असि पंजाबी जनू कहने मर्यादा भी, मर्यादा का ध्यान रखो, मतलब मस्जिद के तकद्दस का ध्यान रखो। लेकिन ये जिसको हम तकद्दस कहते हैं ये तकद्दस नहीं है, ये प्रोटोकॉल है, जरूरत है। मतलब ये मस्जिद का प्रोटोकॉल है कि मस्जिद में आने वाला इस्तिंजा करके वजू करके आए, मस्जिद में आने वाला सिर ढक के आए, मस्जिद में आने वाला जूते उतार के आए, मस्जिद में आने वाला खामोश होके आए, मस्जिद में आने वाला आके झुका के आए। लेकिन मस्जिद का हक क्या है वो सुनिए। मस्जिद का हक ये है कि जब बंदा मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर निकला, अब वो बाजार में गया, बाजार में किसी की बेटी सामने खड़ी है, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, इससे कोई मतलब नहीं है। याद रखना बात को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं, पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए। अब एक नमाजी है, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, सड़क पे आया, बाजार में आया, किसी की बेटी खड़ी है, मुसलमान की है या गैर मुस्लिम की है, अगर वो उसकी बेटी की तरफ गंदी निगाह डालता है, उसकी बेटी से जिना का इरादा करता है, उसकी बेटी को देख के मजा हासिल करना चाहता है, तो फिर इसने मस्जिद की इज्जत को खराब कर दिया है। क्योंकि ये रब से वादा करके आया कि मैं तेरे कानून को नहीं तोड़ने वाला। ये मस्जिद का प्रोटोकॉल कि जब ये खड़ा होकर बाजार में सामान तोलेगा तो बराबर होगा, उसमें बेईमानी नहीं करेगा। अगर सेब के ऊपर स्टिकर लगाएगा तो जहां गला हुआ है वहां नहीं चिपकाएगा, अगर गला हुआ तो उसको अलग करेगा। ये मस्जिद का प्रोटोकॉल है। एक सुन्नत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, करेंगे इंशाल्लाह, आपको एक सुन्नत बता दूं, करेंगे इंशाल्लाह। अब आपसे जो गोश्त खाना सुन्नत है, इसका मीठा खाना सुन्नत है, इसके अलावा भी सुन्नत है। एक बड़ी प्यारी सुन्नत है मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो ऐसी सुन्नत है जिसकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचा है, जिसकी वजह से ये दीन कयामत तक कायम रहेगा। वो सुन्नत ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदगुमानी कुफर है। क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बदगुमानी। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं कि मोहम्मद अलैहि सलाम के मानने वाले जब सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे। यानी दिल में बुरा ख्याल लाना रसूलुल्लाह के ऊपर का काम नहीं है, दूसरे के मुताबिक राय कायम जब की जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि जब आप किसी के मुताबिक राय कायम करेंगे तो अच्छी राय कायम करेंगे, बुरी राय का क्या। हम लोग कैसे राय कायम करते हैं? हम लोग ऐसे राय कायम करते हैं, हम लोग किसी को देखते हैं, अच्छा मॉल भी देख लिया बढ़िया, हम सोचते हैं अच्छी मुर्गी फंसी होगी इसके पास, ये हमारी राय है। हम अपने किसी भाई को तरक्की करते हुए देखे, पड़ोसी को तरक्की करते, यार ये थकी मारता होगा, सुभान अल्लाह क्या आपने राय कायम की। किसी खूबसूरत आदमी को देखे, कोई खातून कोई मर्द कहीं जाए, अच्छा ये बदमाशी करने जा रहे होंगे, वाह क्या काम किया आपने, चाहे वो भाई बहन हो या मियां बीवी हो, आपने अपने पास क्या बैठा किए। कोई अपनी जरूरत के लिए चला जा रहा है, हम सोचे अच्छा अच्छा ये चोर लग रहा है देखने में, क्या क्या राय का किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने आके कहा, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फला बंदे पे शक है कि वो बंदा बेईमान लगता है, अल्लाह के नबी नाराज हुए, फरमाया कि तुमने उसकी छाती फाड़ के देखी। आप जो राय कायम करते हैं, आज क्या हालत है, भाई भाई के खिलाफ राय कायम करता है, अपने पास से ख्याली पुलाव बनाता है, अच्छा मेरा फोन नहीं उठाया होगा, जानबूझ के अगर सीधे बैठा होगा तो जानबूझ के हो गया। नबी का दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए दुनिया में पहुंचा, मेरे नबी सलाम ने सिखा दिया साहबा को कि हम पोस्टी फेज में जाएंगे, हम मुस्बत जाएंगे, मंत्री नहीं जाएंगे, पूरा
लेके जाएंगे। हम किस तरह आए काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या है, इस्लाम ने कहा कि लोगों का हौसला बढ़ाओ, लोगों का हौसला तोड़ो नहीं। हम क्या करते हैं, अब कोई बीमार हो जाता है ना आपके यहाँ, मैं मौलाना कोई बीमार हो जाए ज्यादा, तो जो मिलने के लिए जाते हैं वो पूछेंगे क्या हुआ जनाब, फला बीमारी लगी हो, कहाँ से दवाई लाई, चंडीगढ़ गए थे, पीजीआई गए थे, सारी बातें सुनने के बाद क्या कहेगा, वो मेरे अप्पू जी का भी इंतकाल इसी बीमारी से हो गया। अरे बदबख्त, तू उसका दिल तोड़ रहा है, 50 आदमी ले लो किसी कैंसर के मरीज को ले आओ, उनको बोलो बस इसको सारा दिन जब कभी मिलो अचानक यही कहना कि भाई कल से आज अच्छा है, अगर वो 50 दिन में ना ठीक हो जाए तो जाते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।